नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आटा चक्की का, अगर आप एक सिंगल फेस आटा चक्की के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो आपके घर के कनेक्शन पर आटा चक्की चल सके, तो आज हम आपको ऐसी ही जानकारी देंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको बिजनेस के लिए कौन सी आटा चक्की लेना चाहिए, यानी कितने इंच की आटा चक्की लेना चाहिए सिंगल फेस आटा चक्की, तो आज हम आपको चार आटा चक्की में से बताएंगे कि आपको कौन सी आटा चक्की लेना चाहिए। जैसे कि 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच, 16 इंच, चारों आटा चक्की सिंगल फेस आटा चक्की होती हैं, तो आपको इसके लिए कौन सी आटा चक्की लेना चाहिए, यानी कितने इंच की आटा चक्की लेना चाहिए आपको बिजनेस के लिए, तो आज हम इसके बारे में फुल जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपने जितने भी व्यक्तियों को आटा चक्की बिजनेस शुरू करते हुए देखा होगा, आपने थ्री फेस आटा चक्की के साथ ही बिजनेस शुरू करते हुए देखा होगा। अधिकतर व्यक्ति थ्री फेस आटा चक्की के साथ ही बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप एक सिंगल फेस आटा चक्की के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको कितने इंच की आटा चक्की लेना चाहिए। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, फुल वीडियो वॉच करें, तभी आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी समझ में आएगी। अगर आप सिंगल फेस आटा चक्की के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हम आपको फुल जानकारी देंगे, लेकिन आपको पार्ट वन और पार्ट टू दो वीडियो देखने को हमारे चैनल पर मिलेंगी इस वीडियो के बारे में। तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगर हम एक वीडियो बनाते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको पार्ट वन और पार्ट टू में दो वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं कि आपको बिजनेस के लिए कितने इंच की आटा चक्की लेना चाहिए, यानी कौन सी आटा चक्की लेना चाहिए। तो देखिए, इतना तो हम जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति अगर एक बिजनेस शुरू करता है, एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो वह व्यक्ति थ्री फेस आटा चक्की के साथ ही बिजनेस शुरू करता है। लेकिन अगर आप एक सिंगल फेस आटा चक्की के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो यानी छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप एक छोटा बिजनेस भी सिंगल फेस आटा चक्की के साथ शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं 10 इंच आटा चक्की के बारे में। अगर आप एक 10 इंच आटा चक्की बिजनेस के लिए लेते हैं तो देखिए, कम से कम आटा निकाल के देती है 10 इंच आटा चक्की। 10 इंच आटा चक्की आपको एक घंटे में 20 kg आटा निकाल के देती है, तो ग्राहक को आपके पास अधिक से अधिक समय तक खड़ा होना पड़ता है, तभी आपको उसका 20 से 30 kg आटा पीस पाएंगे। अगर आप 30-40 kg आटा हर ग्राहक का पीसते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। इसलिए आप 10 इंच आटा चक्की के साथ बिल्कुल भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 इंच आटा चक्की में अधिक समय लगता है। इसलिए 10 इंच आटा चक्की के साथ आप अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं। आपको बिजनेस के लिए 10 इंच आटा चक्की बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं 12 इंच आटा चक्की के बारे में कि क्या आप 12 इंच आटा चक्की बिजनेस के लिए ले सकते हैं। तो 12 इंच आटा चक्की आपको 1 घंटे में 25 kg आटा निकाल के देती है। जो सिंगल फेस आटा चक्की होती है वह आपको 1 घंटे में 25 kg आटा निकाल के देती है। अगर 25 kg आटा निकाल के देती है, और अगर आप 11 ग्राहक का जैसे कि 40 kg आटा पीसते हैं, तो 40 kg आटा पीसने में कम से कम आपको समय 1.5 घंटे से लग जाएगा। आज के समय में इतना भी समय किसी को नहीं होता है कि वह 40 kg आटा पिसवाने के लिए आपके पास जैसे कि 1.5 घंटे खड़ा रहे। तो इसलिए आपको 12 इंच आटा चक्की भी नहीं लेना चाहिए बिजनेस के लिए, क्योंकि 12 इंच आटा चक्की कम से कम आटा निकालती है, तो आप 12 इंच आटा चक्की भी नहीं ले सकते हैं। अब आपके पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, 14 इंच आटा चक्की या 16 इंच आटा चक्की। तो इन दोनों में से आपको कौन सी आटा चक्की लेना चाहिए, तो आपको पार्ट टू वीडियो जो हम बनाएंगे उस वीडियो में आपको सही जानकारी देखने को मिल जाएगी कि आपको बिजनेस के लिए कौन सी आटा चक्की लेना चाहिए। तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, सेकंड पार्ट आपको इस वीडियो का देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।